फ्रेंड्स, ये सेक्युलेंट हमारे यहाँ की जलवायु में आराम से लग जाते हैं। ये माउंट की वादियों की कमाल है कि सेक्युलेंट इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, आराम से लगने वाले प्लांट से आराम से चलते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। और ओवर वाटरिंग होने से ये कुछ इस तरह से बिखर भी जाते हैं, कम पानी की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादा बरसात हो गई बेचारे की पत्ती। लेकिन इनको चलिए और पौधे बनाने में काम ले लिया जाएगा। सेकुलेंट के अंदर ऑलरेडी काफी पानी होता है और फिर बारिश का पानी और हो जाता है, तो पत्तियां वजन नहीं सहन कर पाती, गिर जाती हैं। की जलवायु में ये आराम से चलते हैं जी, लेकिन मैं अब इन पत्तियों को तपती हुई धूप में अगर रख दें तो कभी कभी चले भी जाते हैं। कुछ पौधे इसी तरह के, ये सारे के सारे सेकुलेंट्स कुछ इसी तरह से बनाए गए। सेकुलेंट्स हैं फ्रेंड्स, हाँ, लीव से ही बनाए जाते हैं और देखने में बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन बहुत गर्म जलवायु के पत्तियों से लगाए गए थोड़ा सा कम ही चलता है। हमारे यहाँ ये इजीली चल रहे हैं और इस तरह से ये देखिए सारे के सारे ये सेकुलेंट्स हैं। सेकुलेंट मीन्स जिसके अंदर पानी ऑलरेडी काफ़ी भरा रहता है। जी हाँ, इनकी लीव्स देखिए ये काफ़ी मोटी मोटी होती हैं। जो भी सेकुलेंट होते हैं उनकी, चाहे आप स्टेम के अंदर देख लो या लीव्स के अंदर देख लो, काफ़ी मोटी होती हैं दोस्तों। तो हमारे ये पौधे जो सेक्युलेंट से कैसे लगे फ्रेंड्स, आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और इसी तरह से पत्तों से नए पौधे तैयार कीजिए, जी हाँ, ताकि आप अपने फ्रेंड्स को भी दे सकें। देखने में बेहद खूबसूरत सा है और इजी टू ग्रो है, बहुत ज़रा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस फंगस वगैरह का थोड़ा सा इस पर कई बार अटैक हो जाता है, वो ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।